नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ। नए नए एक्टरों के जमाने में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का क्रेज आज भी बरकरार है। ऐसा ही क्रेज धार्मिक नगरी वृंदावन में देखने को मिला, जहां के रहने वाले दो मासूम बच्चे अमिताभ बच्चन का दीदार करने मुंबई भाग गए थे। बच्चों के लापता होने से घबराए घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। घर वालों ने दो नामजद लोगों के खिलाफ बच्चों के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। हालांकि बाद में दोनों बच्चे मुंबई से सकुशल बरामद कर लिए गए। जानकारी के मुताबिक मामला धार्मिक नगरी वृंदावन क्षेत्र के गौरा नगर कॉलोनी का है, जहां रहने वाले अमन जिसकी उम्र 10 साल है और भोला जिसकी उम्र 14 साल है, दोनों 6 दिन पूर्व घर से दूध लेने निकले तो थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। शाम हो जाने के बाद दोनों बच्चों के घर न लौटने पर परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन दोनों का कहीं भी पता नहीं चला। थक हार कर परिजनों ने कोतवाली वृंदावन में तहरीर दी। परिजनों ने अपहरण होने की शक की संभावना से दो नामजद लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली में तहरीर दी थी। दो मासूम बच्चों का अचानक यूं गायब हो जाना पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गया था। मामला उस वक्त सुलझा जब एक दिन अचानक मुंबई पुलिस का फोन वृंदावन पुलिस के पास आया। फिर क्या था, जैसे ही वृंदावन पुलिस को ये पता लगा कि लापता बच्चे मुंबई पुलिस के पास हैं, वृंदावन पुलिस बिना समय गवाए तत्काल बच्चों को लेने के लिए मुंबई निकल पड़ी। जब पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की तो पता चला कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का दीदार करने के लिए मुंबई गए थे। उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था और न ही वो किसी के साथ गए थे। फिलहाल पुलिस ने बच्चों के परिजनों को जानकारी देकर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।